मैंने कहा था ना, इससे अच्छी जगह कोई नहीं है। देखो तो, मोगली और वो छुटकू बच्चा। शाबाश, एक ही वार में दोनों चित। पर वो बाघिन कहाँ है? शिकार कीजिए ना, बाघिन की फिक्र छोड़िए। यही रुकना छोटा, मैं यू गया और यू आया। जब तक मैं ठीक नहीं होती, छोटा का ख्याल रखना। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा, वादा करता हूँ। तुम बेफिक्र रहो, कल बलू तुम्हें ठीक करने वाली बूटियाँ लेकर आएगा। मम्मी ठीक है? हो जाएंगी छोटा, बस उन्हें आराम की जरूरत है, और तब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वो क्या है? आसमान गिर रहा है, कोई बचाओ आसमान। चुप कर, वो सुन लेंगे। हर बार तेरा प्लान बेकार हो जाता है गीदा। कितना अच्छा नजारा था ना, फिर से देखना है, फिर से। तारे जंगल में बहुत कम गिरते हैं छोटा। पता है क्या कहा जाता है? अगर धरती पे गिरे टूटे तारे के टुकड़े को कोई छू लेता है तो उसकी हर इच्छा पूरी होती है। छोटा की इच्छा पूरी होगी। अभी नहीं, चलो अभी सोने का वक्त है, जल्दी जल्दी सो जाओ। छोटा कहाँ है? क्या, यही तो सोया था मेरे साथ? तुमने वादा किया था कि तुम उसका पूरा ख्याल रखोगे। और मैं अपने वादे कभी नहीं तोड़ता। लगता है वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए टूटे तारे को ढूंढने गया है। घबराना मत, मैं उसे अभी ढूंढ कर लाता हूँ। क्या कहा था नामुराद, बड़ी अच्छी जगह ढूंढी है शिकार के लिए। मुझे क्या पता था तारा आज टूटेगा। इस टूटे तारे को मेरा ही इलाका मिला था गिरने को। चल अब सफाई पर लग जा टबाकी। पहले थोड़ा आराम कर लूं, मैं थक गया हूँ। तू बच गया गीता, अब गुस्सा कहीं और निकलेगा। उसके आने तक अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। टूटा तारा। सांप चला गया, छोटा ने भगाया। बहुत अच्छे छोटा। अरे नहीं,
घबराओ मत छोटा, मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ। पहले इस दोस्त को सैर पर भेज देता हूँ। शिकार करने की बेहतरीन जगह तो यहाँ है गीदड़। तो चलो उस मोगली को दबोच लेते हैं। जब मैं कहूँगा तब हमला किया जाएगा। छोटा खुश हुआ। मैं भी छिटकू। तुम ठीक तो हो ना? और क्या, पर हम अपने घर से बहुत दूर आ चुके हैं, हमें यहाँ से जाना होगा, ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। टूटा तारा कहाँ है? छोटा को कुछ मांगना है। टूटा तारा नहीं है, छोटा की इच्छा पूरी नहीं होगी। देखो तो छोटा, यहाँ टूटे तारे हैं, बहुत सारे टूटे तारे। हा? देखो छोटे टुकड़ों में फैले हैं, इन्हें छूकर तुम अपनी इच्छा मांग सकते हो। टूटे तारे? हाँ। मैं चाहता हूँ, मैं तो छोटा ने मांग लिया। बहुत अच्छे छुटकू, अब देखना तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। पर पहले हमारी पूरी होगी बच्चों। पास आने की कोशिश भी मत करना शेर खान। वरना क्या, मुझसे दूर जाने की इच्छा मांग लोगे? बड़े मजाक किया हो मिस्टर शेर खान। तुझसे कहा है ना बीच में जबान मत खोला कर बदबूदार गीदड़। दूर ही रहना अच्छा होगा। हाँ मैं तो दूर ही रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कभी ना कभी तुम दोनों ऊपर जरूर आओगे। इस बार तो ये बुरी तरह फंस गया है ना? बिल्कुल सही कहा, और मैं नहीं चाहता तू कुछ गड़बड़ करे, इसलिए जा कुछ काम कर ले, मेरी गुफा के आसपास का कचरा साफ कर। पर... जा। तुम यही रहना, बिल्कुल मत हिलना छोटा, मैं जिद्दी शेर खान को यहाँ से भगा कर आता हूँ। टबाकी। तबाकी, तबाकी, घनचक्कर गीदड़ हमेशा सही मौके पर गायब हो जाता है। जल्दी चल, हमारे शिकार कहीं भाग गए हैं। तबाकी, जब देखो तबाकी ये कर ले, तबाकी वो कर ले, बुढ़ा कहीं का। बदमाश शेर खान चला गया। जो खुद को ज्यादा होशियार समझता है उनके साथ ऐसा ही होता है। अब हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। मामा। हाँ? छोटा। मम्मी ठीक है? अब तुम घर आ गए हो, मम्मा बिल्कुल ठीक हो गई है। मोगली, मम्मी ठीक हो गई, मेरी इच्छा पूरी हुई। देखा, मैंने कहा था ना। दरअसल उसकी मम्मी की तबीयत मेरी जड़ी बूटियों से ठीक हुई है और मैं ये बात उसे नहीं बताऊंगा। ओह बहुत बहुत शुक्रिया बलू। बेहतरीन जगह, एक साथ दो दो शिकार। कम से कम मैंने आपकी जान तो बचाई शेर खान, अगर आप यहाँ रहते तो आप पर तारा गिर जाता। बकवास बंद कर वरना तुझे ही लंच में खा जाऊंगा टबाकी। बकवास बंद कर वरना तुझे लंच। आह,
शुक्र मनाओ मुझे छींक आ गई। तुम बहाने बहुत बनाते हो अब्बू। जी नहीं। ओ, ओ, बस मुझे नहीं खेला तुम्हारा ये फालतू गेम, मैं जा रहा हूँ। हाथी देखो ना, गुस्सा होकर ये अप्पू ना जाने कहाँ जा रहा है। अब फिक्र मत करो गजनी, मूड ठीक होते ही वो लौट आएगा। तो बलू आज तुम्हें क्या सिखा रहा है मोगली, खराटे कैसे लेना है? को गदगदा सोफा समझ रहे हो क्या? सॉरी गौ। वैसे मुझे भूख तो लगी है, पर तू बहुत बड़ा है। अरे ये क्या है, ये तो भूत है। बचाओ 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 ये किसकी आवाज है? मुझे तो अप्पू की लग रही है। मोगली रुको। अरे ये मेरे चश्मे कहाँ चले गए? यहीं नीचे गिरे हैं बलू, ये लो। इस पर किसी ने थूका है। ये अप्पू क्या कर रहा है? अरे तुम कहाँ से आ गए? ऊपर से और कहाँ से? चल मेरे अब्बू टिक टिक टिक। उतरो नीचे। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे, मूड ठीक होने पर वो खुद वापस आ जाएगा? आजकल के बच्चे पापा को डांट खिलवाते हैं बस। ये सब मेरी गलती है, मुझे उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, मैं उसे ढूंढने जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ। ठीक है ठीक है, चलो मिलकर ढूंढते हैं। ऊपर का मौसम कैसा है अप्पू? नजारे ठीक तो दिख रहे हैं ना? अरे नहीं, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। रुक जाओ। हमारी मस्ती में टांग मत अड़ाओ इंसानी बच्चे। दफा हो जाओ यहाँ से बंदरों। देखो मोगली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे बिना बताए चुपके से कहीं मत जाया करो, कम से कम लेसन तो पूरा हो जाने देते। लेकिन बचाओ बचाओ। ये वहाँ ऊपर क्या कर रहा है? ऊपर गया तो गया, लेकिन इसे नीचे कैसे उतारेंगे? अब्बू अब्बू कहाँ हो तुम? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। घबराओ मत हीटा, हम उसे ढूंढ लेंगे, उम्मीद तो है। बचाओ बचाओ। हाँ, अरे हाँ, उससे काम बन जाएगा। किससे? एक ब्रिज से। हम एक ब्रिज बनाएंगे दोस्तों, वहां से वहां तक।
आज तो बस हाथ ही दिख रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? हम तो अभी अभी आए हैं। अभी मुझे परेशान किया अप्पू ने, इसलिए कह रहा हूँ। और वो बड़ी जल्दबाजी में ठंडी गुफा की तरफ बढ़ रहा था। सुना ना तुमने हाथी, वो ठंडी गुफा की ओर गया है। मुझे तो तुम्हारी सुननी ही नहीं चाहिए थी। उसका मूड ठीक होगा तो आ जाएगा। अब भुगतो। अब खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? जल्दी आओ ना। मुझे बचाओ, मुझे नीचे नहीं गिरना। नहीं गिरोगे अप्पू, बस खड़े रहो। हम कोशिश कर रहे हैं ना। ये लो मोगली। ये नहीं हो रहा बलू, हम अकेले इस काम को नहीं कर सकते, हमें मदद की जरूरत है। सुनो बंदरों, मैं मानता हूँ आज तक हमारे बीच इतनी नहीं बनी, पर तुम्हारे सीने में भी दिल है जो किसी की मदद के लिए जरूर धड़कता है, तो क्यों ना आज इस अप्पू की मदद की जाए। नहीं। मदद तो करनी ही पड़ेगी। मोगली जैसा कहेगा तुम सभी को वैसा ही करना पड़ेगा, वरना इस जंगल में रहने लायक नहीं बचोगे तुम। रुको रुको, हम समझ गए, हम मदद करेंगे, मदद करेंगे। आ जाओ अप्पू, मेरे साथ साथ आओ, आराम से आ जाओ। ये मैं नहीं देख सकता। आराम से अप्पू, धीरे धीरे आगे बढ़ो। मेरी सूंड सबसे लंबी नहीं है, पर तुम्हारा शुक्रिया मोगली, आज तुमने मेरे परिवार पर बड़ा एहसान किया है। और तुम सुनो अप्पू, आज के बाद अपनी मम्मी को इतनी चिंता में कभी मत डालना। माफ करना मम्मी। मुझे भी माफ कर दो, मुझे तुम पर हंसना नहीं चाहिए था। सब भूल जाओ बच्चों, मुसीबत टल गई है, चलो घर चलते हैं। काफी इमोशनल एंडिंग हो गई। मेरी तो नाक भर आई। तुम्हारी बहादुरी की दाद देनी होगी मोगली, और क्या दिमाग लगाया है तुमने। पर एक बात मुझे याद आई, हमने सुबह का लेसन तो पूरा किया ही नहीं, इसलिए अभी कहाँ गया। पहले मैं इस मकड़ी को दूर भगा देता हूँ बलू, क्योंकि नींद में तुम्हारे मुंह में जाकर ये तुम्हें बीमार कर सकती है। शू, भागो यहाँ से, दोबारा मत आना। ये है हमारा नन्हा इंसानी बच्चा, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। हाँ, और लेसन से बचने के अच्छे आइडियाज भी ढूंढता है। मोगली, वापस आओ, लेसन तो पूरा करो।